उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान यूथ कांग्रेस में चुनाव के बाद हुई प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक, मुख्यमंत्री गहलोत शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने यह संकेत दिया कि राजस्थान में प्रत्याशियों को टिकट इस बार 2 महीने पहले दिया जाएगा। उन्होंने मंच पर मौजूद सभी सह प्रभारी अमृता धवन को कहा कि हमने प्रभारी रंधावा से भी बात की है, हम प्रयास कर रहे हैं कि जो भी नेता चुनाव में टिकट लेना चाहता है उसे 2 महीने पहले टिकट का इशारा कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब टिकट की दौड़ लगती है तो दिल्ली में जिन्हें टिकट मिलता है वो दौड़ दौड़ कर इतना थक जाते हैं कि चुनाव क्या लड़ेंगे, आसाम का फॉर्मूला। गहलोत ने कहा कि यह भी इसलिए जरूरी है कि भाजपा को छोड़ बाकी पॉलिटिकल पार्टियों में बहुत ज्यादा टाइट किया हुआ है, केवल भाजपा को छूट है। यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में अपनी बात रखते हुए गहलोत ने चुनाव में टिकट को लेकर जिताऊ कैंडिडेट की पैरवी भी की। दौसा केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सेवा सुशासन व गरीब कल्याण की जन कल्याणकारी नीतियां योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिला दौसा की एस विला होटल में प्रेस वार्ता आयोजित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 साल के कार्यकाल में सुरक्षा में मजबूत प्रबंध, आतंकवाद का नियंत्रण को समाप्त किया, MSP पर 25% से बढ़कर 40% किया। OBC आयोग को भी केंद्र में सर्वाधिक मान्यता दी गई, वहीं राजस्थान में पिछले 4 साल से भी अधिक समय होने पर भी OBC आयोग बंद है। नए मेडिकल कॉलेज खोले हैं, राष्ट्रीय की सड़क मार्ग भी केंद्र सरकार ने अब तक सर्वाधिक बनाई, प्रधानमंत्री के कार्यों से विदेश में भी भारतीयों का सम्मान बढ़ा है। कोलायत में RLP पार्टी की जन हुंकार रैली, सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचे, जहां अक्कासर के पूर्व सरपंच प्रभु दयाल गोदारा के नेतृत्व में जमकर पुष्प वर्षा हुई। जिस सभा में बेनीवाल ने कहा कि कोलायत में अवैध रॉयल्टी व अवैध खनन हो रहा है उसको रोका जाए, साथ ही आपका काम रुकेगा व हनुमान बेनीवाल आपके साथ खड़ा होगा। बेनीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि टोल मुक्त राजस्थान में बिजली फ्री होने का मुद्दा जरूर उठाऊंगा और भूमाफियाओं को सत्ता में आने के बाद खत्म जरूर करूंगा। सूरतगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक परेश देशमुख सूरतगढ़ पहुंचने पर DSP कार्यालय में चारों थाना प्रभारी के साथ बैठक फीडबैक लिया। वर्तमान में हो रही कार्रवाई की तरह लगातार कार्रवाई जारी करने से नशे के कारोबार करने वालों पर अंकुश लगेगा। SP ने थाना परिसर का निरीक्षण करते हुए थाना प्रभारी कृष्ण कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद DSP कार्यालय में सर्किल के थानाधिकारियों की बैठक ली। SP ने CT थानाधिकारी से कहा कि सूरतगढ़ कोचिंग का हब बनता जा रहा है, बाहर से आ रहे हजारों स्टूडेंट्स न केवल कोचिंग कर रहे बल्कि PG हॉस्टल और किराए के मकानों में रहकर कोचिंग के साथ नशा करने और कराने वाले छात्र भी है। दावल भरतपुर मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंप के अंदर
शिविर की पूर्व संध्या पर सद्भावना संस्कृत संध्या का आयोजन हुआ। जिसमें पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत स्तर पर सद्भावना संस्कृत संध्या के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। स्थानीय सरपंच पटवारी उपस्थित रहे। जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी के कलाकारों के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना, इसके चलते इसी दौरान रुदावल ग्राम पंचायत पर शिविर लग रहा है। सिरोही जिले के मंडार पुलिस थाने में सटी पाथावाड़ा गुजरात राज्य की पुलिस अवैध शराब परिवहन के विरुद्ध लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। सिरोही के नवनियुक्त एसपी के आदेश की पालना से यह हवा हवाई हो रही है। इसके बदौलत बीते बुधवार को एक बार फिर गुजरात पुलिस ने अवैध शराब से भरे कंटेनर की शराब में 7,192 बोतलें बरामद की। भोपालगढ़ के रुदिया शिविर में कलाकारों ने मोहा सबका मन। भोपालगढ़ उपखंड के रुदिया गांव में आयोजित महंगाई राज शिविर और प्रशासन गांवों के संग अभियान में सबका मन मोह लिया। शिविर में राजीव गांधी युवा मित्र रूपाराम रुदावैया द्वारा प्रेरित सभी कलाकारों ने अपनी अद्भुत और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की सहायता से प्रस्तुति दी। आहोर के अरब सागर से उठे बिपरजॉय तूफान के आने को लेकर उपकरण अधिकारी शैलेंद्र सिंह चारण ने बैठक बुलाई। इस विपदा की घड़ी में आप भी अलर्ट रहें, लोगों की मदद करने के लिए भी अपनी सहभागिता निभाएं। साथ ही उपखंड अधिकारी ने आम जनता से अपील भी की है। कानपुर देहात में फहीम अहमद रिपोर्टर्स रिपीट। कानपुर देहात में किसान के बेटे ने नीट में 650 अंक लाकर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया। कानपुर देहात के ढिकची गांव के प्रांजुल केटियार पुत्र भगवान दास ने कड़ी मेहनत की। राजस्थान सरकार की ओर से सूर्या एसोसिएट बजरी रॉयल्टी का ठेका मिलने के बाद अब उस फर्म की अनियमितताओं के खिलाफ जोधपुर में बवाल मचना शुरू हो गया। बजरी सप्लाई यूनियन के अध्यक्ष राज बाबल, भवन निर्माण यूनियन के अध्यक्ष दयाराम प्रजापत की अगुवाई में भवन निर्माण से जुड़ी सभी संगठनों की ओर से सैकड़ों लोगों ने गुरुवार को झालामन चौराहे से जिला कलेक्टर कार्यालय तक पैदल मार्च निकाला। सरकार ने रॉयल्टी ठेकेदार के ठेके की जांच करने और ठेके को निरस्त कर सस्ती बजरी दिलाने का प्रस्ताव रखा। मारवाड़ कंस्ट्रक्शन व भवन निर्माण यूनियन के अध्यक्ष दयालराम प्रजापत ने मीडिया को बताया कि जोधपुर संभाग के सभी भवन निर्माण यूनियन के पदाधिकारियों व संगठनों के सामूहिक रूप में फैसला किया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं, उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने।